मीठे मीठे सलामी भाइयों और उनकी बहनों, आपको मैं दीन की दावत देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी जान के डटो। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ पेश हूँ आपके सामने। आज अपनी यूनिवर्सिटी में देखें, बिल्कुल खाली हुई पड़ी है। नहीं तो इधर टिकटॉकरों का ये अड्डा है, हर किस्म का खुसरा आपको इधर मुयसर मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बुक शॉप। भाई ने बुक लेनी है, इधर से हम बुक लेते हैं। तो जैसे आज बिल्कुल रश कम है, नहीं तो इधर मंडी लगी होती है, जैसे ईद की मंडी नहीं लगी होती, मंडी वाला हिसाब होता है। बिल्कुल हर किस्म का बंदा, हर किस्म का वही रह रहा, वही ना। अब आजकल सारा हर बंदा नेक बना हुआ है, जिन्होंने जो क्या नाम है, जो आधी आधी शलवारें पहनती थी, जो शर्टें पहनी थी, आज वो भुरके में आई हुई है। और वो लड़के जो पूरा दिन क्या नाम है गैम्बलर्स जुआरी होते थे, वो टोपियाँ पहन के दसवीं पहन के आए हुए हैं आजकल। लेकिन काम इनके, मैंने दूसरी पहनी हुई। ये सामने स्टेयर्स हैं, इधर बच्चे बैठते हैं, कप्पे शप्पे लगाते हैं, इधर भी बैठते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में इधर बैठना बहुत मुश्किल है, बंदे की जबान बाहर आ जाती है। अच्छा, सामने जो बिल्डिंग है ना, उधर हमारा है स्विमिंग पूल, हम नहाते हैं। यादें हमारी पुरानी यादें हैं। जिम भी उधर है, सामना डंबल चोरी करके ले जाता हर बार जिम के उधर से। ये सामने बुक सेंटर आके इधर से हमने बुक लेनी है एक। क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? डालूंगा, ये मेरा जो है ना लाई गालियों वाला। और मैम को मैं भेजूंगा, अपनी मैम को भेजूंगा। तेरा कुछ कैसा हुआ था? कौन सी पिछली में कोई हुआ था? तुम लोग नहीं थे? नहीं थे? इसको तो नीचे कर, शर्म आ रही है मुझे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रोजा क्यों नहीं रखा आपने आज? मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। आप लोग जानते हैं मैं किसी एक मदनी मुन्ना हूँ। ये मैं रस्सी हार देखी, दिल्ली सौ चुके खा के आज को दिल्ली। तो भी सर मेरा रोजा है माशाल्लाह। ये हाफिज साहब देखे, हमारी हमारी क्लास के डॉन है, सिंगम लंडे का सिंगम। यार बड़े पप्पू लग रहे हो यार, कसम से यकीन मान। ऐसे बंदे अड्डों पे वॉशरूमों का ठेका लेके महीने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जो आप पीछे एक बंदा देख रहे हैं ना, वो व्हाइट टोपी वाला जिसने चश्मे डाले हुए हैं, ये और मैं लंगोटिया यार है। एक महीने के मौलवी, एक दिन के मौलवी, काम इनके देखो, जवारिये मुस्टंडे गैम्बलर। अरे साकेब सर, आपकी आपकी छड़ी किधर है? इधर छड़ी पकड़ो। 2022 का मौलवी, हाथ में तस्बीह, नीचे पैंट, टिकटॉकर मौलवी। इधर वो छड़ी पकड़ूंगा आपको। ओई 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 बच्चा ओई। हाँ मीठे मीठे सलामी भाइयों और उनकी बहनों, आपको मैं दीन की दावत देता हूँ। 5 वक्त की नमाज आज रोजा जनाब कर रही है। आज 12वां रोजा है माशाल्लाह, 11वां। मैंने एक दिन पहले रखा था भाई के साथ। तवीज पांडे भाई, तवीज से रोजा, तवीज तो भाई, तवीज स्पेशलिटी
निकाल दियो। नो वी आर गोइंग टू बैक होम। इधर से निकलेंगे ना, इधर से बाहर सीधा रोड चले जाएंगे। असल में आज आपको यूनिवर्सिटी हम घुमा नहीं सकते पूरी नहीं तो, क्योंकि आज रोज है और कुछ ऐसा इवेंट भी नहीं है, लेकिन 18 तारीख को एक इवेंट आ रहा है, वो आ रहा है इवेंट एक वो आ रहे हैं अपना अमेजोन वाले आ रहे हैं, वो कि हमें पढ़ाएंगे और इस तरह का बताएंगे हमें अमेजोन के बारे में, यार हमें डिटेल बताएंगे इस पर कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ये वो अपनी UCP है, ये सामने ऑडिटोरियम है, इधर कोई किसी किस्म का कोई शायर आए या कोई मीटिंग वगैरह हो तो ये इधर होती है सामने, अपनी UCP बड़ी कमाल की है, इधर का ये मजा है ना, कोई ना कोई इवेंट होते यार। वो हम रह गए थे, हम जब गए हैं तो वो फुल हो गया था, शायर के नाम था अली जरियोन, बड़ा कमाल का शायर था यार, लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ऐसे इवेंट रोजाना आते रहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, ये रोला नहीं है, इस बात की कोई टेंशन होती ना फिर होता। अब अगली दफा ना जो भी इवेंट आना है टाइम पे उसको इंशाल्लाह, रमजान के बाद हमने कोई इवेंट नहीं छोड़ना, वो तो बस मजबूरी थी छूट गए थे, लेकिन इस बार भी तेरी तूने क्लास लेनी सर था नहीं हाँ सर था, सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में हमारा इवेंट रह गया था, नहीं तो बस वो भी हम अगर इंटर हो जाते लेकिन हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता, लाइन में एक घंटा खड़े हो वो भी फिर भी लाइन में पूरे दो घंटे खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी बारी नहीं, चले कोई नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई आपके क्विज कैसे हो रहे हैं ये बताओ। हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेहनत कर रहा है यार बच्चा, मेहनत कर रहा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको भी कामयाब करे, आमीन आमीन। किस चीज में ये भी साथ बताया करो ना, आप कंफ्यूज कर देते हो आधी बात करके, यार मेरा भाई परेशान कर रहा है, कह रहा है यार अपना जो डकी भाई है ना उसकी मंगनी और निकाह हो गया तो मेरा भी कुछ करो, तो मैंने बोला यार वो हाई लेवल का बंदा है, हम किधर हैं, इंशाल्लाह हमारा भी हो जाएगा, लेकिन एक हमें मोटिवेशन मिली है यार, डक्की भाई का हो गया हमारा भी हो जाएगा, टेंशन ले तो भी बुला लेगा वो, यार मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको बोला वो भाई हमें घास ही नहीं डालता, वो हाई लेवल के हम किधर वो किधर, चलो यार, लेकिन कहता है यार माशाल्लाह से बीवी बहुत अच्छी है, इसके इरादे नेक नहीं है, उसको यार क्या कामयाबियाँ दे, हमारे हमारे जैसे बच्चे दे पड़े उसको, जो आपके जैसे बच्चे ना जी अच्छा है। सो फाइनली आज का व्लॉग इधर हम करते हैं एंड, क्योंकि रोजा लगा हुआ है और ज्यादा बोला नहीं जा रहा, इस वजह से भी हम जा रहे हैं घर की तरफ, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़, सलाम भाई अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना, क्योंकि रोडों में यूनिवर्सिटी में आना बहुत मुश्किल है, ये तो है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।